नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रिपोर्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका। यूं तो आप रोजाना टीवी अखबारों में ऐसी खबरें सुनते ही होंगे जो आपको काफी हैरान कर देती होगी, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यहां जिले का एक छोटा सा गांव एक साइन बोर्ड को लेकर सुर्खियों में आ गया है। जिस साइन बोर्ड को लेकर ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ है, उस पर लिखा हुआ है ये जमीन विवादित है, ये जमीन खून मांगती है। इस हिंसक बोर्ड के सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। ये जमीन हिम्मतपुर गांव में रहने वाले एक तिवारी परिवार के नाम है, जबकि दूसरा तिवारी परिवार इस जमीन को अपना बताकर कब्जा लेने पर अड़ा हुआ है। इससे ये जमीन विवाद का कारण बनी हुई है। गांव के गुलही तिवारी के मुताबिक ये जमीन उन्हीं के नाम है, उसके सभी दस्तावेज भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है, जबकि गांव के रहने वाले ही दबंग लाखू तिवारी ने इस जमीन को अपना बताकर कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जमीन के इस टुकड़े को लेकर इन दोनों तिवारी परिवारों के बीच ये विवाद कई सालों से चल रहा है। इसको लेकर दोनों परिवारों में कई बार मारपीट भी हो चुकी है। गुलही तिवारी को आशंका है कि कहीं विपक्षी दल जाली दस्तावेजों से ये जमीन अपने नाम ना कर ले, किसी को अंधेरे में न रखकर इसका सौदा कर ले। इसी आशंका के चलते इस जमीन पर साइन बोर्ड लगाकर उन्होंने लिखा है कि ये जमीन खून मांगती है, ताकि लोग इसको लेकर सचेत रहें। हालांकि ये साइन बोर्ड न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि पुलिस को भी चुनौती दे रहा है, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले इस साइन बोर्ड को देखकर आसानी से दहशत में आ जाते हैं। गाँव से लेकर आसपास के इलाकों तक में ये बोर्ड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पुलिस भी इस तरह के हिंसक नारों से लगे साइन बोर्ड को लेकर अलर्ट होने के बाद इसे हटाने की तैयारी कर रही है। एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि हाल ही में मामला संज्ञान में आया है, अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये बोर्ड किसने लगाया है। थाना प्रभारी को ऐसे साइन बोर्ड हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।